हाँ नौजवान आने मिलत बोलो। हाँ बोलो कोई आदमी। हाँ इस्पाक बोलेगा। हाँ तो ये हद फासल अरे फासल होती है प्रायोरिटी, जब दोनों में इक्वी बैलेंस हो जावे के दोनों बराबर की हैं, के या इस वक्त दीन बचा लूँ या दुनिया बचा लूँ, तो वहाँ जो चीज़ आप बचा सकते हो वहाँ से आप चश्मा लूँ मगर यद्य फर्क है कि दोनों चीज़ें ओपन हैं, ऑप्शन दोनों ओपन हैं। मतलब यह है कि पैसा कमाते वक्त अगर कमाने में थोड़ा झूठ बोलना पड़ जाए तो तुमने अपनी मेहनत में थोड़ा ईमान शामिल कर दिया, ईमान का एक टुकड़ा डाल दिया, पसंद हो दिया। बुधन कह रहे थे ना कि कुछ बुधन काम था उनका थोड़ा ईमान डाला इसमें, कहते जी कसम बिल्कुल मेरे पूरी रेट पे हमने लिया, इतना नफा हम ले नहीं रहे, बराबर कर दे रहे हम तो, अरे थोड़ा झूठ बोल दिया। अगर तुम सच बोलो तो नफा तुफा बड़ा बेशुमार है। अब आप समझ रहे हैं मकसद ये है कि अल्लाह पर अगर भरोसा करो रब उसको मानो हजार आप उसी पर चल जाएंगे तुम्हारी, इसलिए रब को साथ रखा करो कि या अल्लाह तू आप ही बता दे क्या कारोबार है, ये कारोबार आबाद रहेंगे शाद रहोगे जिंदा रहोगे। मकसद ये है कि कोई गरीब ऐसा तजब्जब में नहीं रहता, ये जो दौलत मंदी है ये तुम देखो दौलत की ट्रबल देखो क्या कुछ हो पड़ा है व्यस्त में। आप लोग झूठ से बचो, मुनाफे से बचो, चलो और कुछ से बचो, किसी और मुसलमान को परेशान करने से बच जाओ, चलो किसी काम कर लो वादा करो हम मुसलमानों को परेशान नहीं करेंगे। मुसलमान कौन जो अधे हैं ये कच्चे हैं पक्के हैं उनको नहीं करेंगे, तो बात समझ आ रही। और कभी बदले पे हम अपसेट ना करो, इंसानों को माफ रखो, आराम से बदले चलते जाओ, और दीन वही जरूरी पाक के साथ आज की रजू करो, और तुम किताबों के इलम ना करो क्या करो रजू करो, आज भी अल्लाह मौजूद है। अल्लाह बताओ कौन आदमी इसके यकीन है कि अल्लाह मौजूद है, चुदाई साहब अल्लाह मौजूद है अब तब है नहीं पहले मौजूद था आज भी है। लो जिस अल्लाह ने कलाम पाक भेजा वो आप मौजूद है, वो चाहे तो तुम्हें इलम नहीं सिद्ध करा देगा, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर हजार किस्म के बदले में निवास करता है, वो बरह रास्त अल्लाह को पुकारो तुम्हारे ऊपर सारी मंजिल इलम की आसान हो जाएंगी। अल्लाह है ना आज भी, अल्लाह के हुजूर है ना आज है, तो तुम्हें किताबों से क्या ढूंढना, पुकारो जवाब मिलेगा, आस्क एंड यू विल बी गिवन, मांगो तुम्हें मिलेगा, तलाश करो तुम पालोगे, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा, क्या होगा मुझे पुकारो मैं सुनने वाला हूँ पास हूँ तुम्हारे, पुकारो तो सही है। मतलब यह कि अल्लाह करीब है अल्लाह को पुकारो, दीन करीब तुम्हें नहीं समझ आता तो दीन के जरिए से मतलब तुम अल्लाह को ढूंढ चल बरह रास्त तुम्हारे साथ आगे कौन सा पहनमा तवल्लू जिद राम खा के देखो अल्लाह का चेहरा ही चेहरा है होगा तो कोई बात। और फी अनफुसिकुम इसके क्या है ना तुम्हारी सांसों में तुम्हारे नफ्स के अंदर एक और ओबामाकुम एनमाकुम जहां भी तुम हो तुम्हारे साथ है, जहां भी तुम हो जिधर हो साथ है, ये सोच के देखो ना जरा। फिर ये ना करना कि यार इस वक्त कारोबार को दूसरा हम कर रहे हैं तो मेहरबानी कर कि कोई और कारोबार करो आपने, अब आज ये ना करना भले तुम्हारे साथ है जहां भी तुम हो माकुम जाओ तुम्हारे साथ जिस हाल में तुम हो। तो ये बात है कि अल्लाह ताला कहता है मेरा जिक्र करो करवट करवट जिस तरह भी हो लेटे हुए हो जागते हुए हो जिस हाल में, और मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ आज के जमाने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि मॉडर्न मैन वादा नहीं पूरा करता। अल्लाह तुमसे पूछेगा, एक आदमी से अल्लाह ने पूछा भाई दी भाई तूने वादा नहीं पूरा किया, कहते मैंने वादा पूरा करने का वादा नहीं किया था अभी, इसलिए वादा पूरा करने का वादा करो, इसलिए मेरे साथ वादा करो, क्या वादा कर रहे हो? अब ये बरमलाक है ना सबने हम कि हम वादा करते हैं आपसे कि हम अपने वादे पूरे करेंगे, क्या वादा करते हैं हम अपने वादे पूरे करते हैं पिछले किए हुए वादे भी पूरे करेंगे, ठीक है मंजूर है आप ईमानदार हो मेरी निगाह में, क्या हो मुसलमान हो ईमानदार हो तुम सच्चे हो, बस ये इतनी सी बात है इसको निकाल दिया जाए जो भी वादा किए पूरा कर, या वादा ना करो। कहते हाँ ये बात है तो ठीक है लेकिन वादा नहीं करते, कोशिश करें जब वादा करो पूरा ईमान ही मान है, और हुजूर पाक आज भी मौजूद हैं ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, आप पक्की इतला दे रहा हूँ, आप उन्हें पुकारो अल्लाह के फजल से जरूरी है, और बाकी इधर उधर रबते शाबते से बचो
आपके मैं निर्मल पाक में क्या जाऊँ, बस सीधा साधा बराह रास्त रब्ता रखो। क्या करो आप बताओ, हजूर पाक के बराह रास्त रब्ता, अल्लाह ताला से बराह रास्त रब्ता। अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता, अल्लाह अपने बंदों के साथ साथ है, वो हर वक्त चाहता है कि तुम सीधा करो, अल्लाह का सीधा करो, अल्लाह को पुकारो। सारा ईमान चाहिए, किताबें ना पढ़ना दीन की, बस काफ़ी है, इतना टाइम नहीं हमारे पास, दीन की किताब ना पढ़ो, माँ बाप की किताब पढ़ लो, उनकी बात कर लो, सीधा कर लो, बस काफ़ी है, वादे पूरे कर लो, उसी पाक किया मोहब्बत कर लो, बस अल्लाह के साथ बातें की करो तो नहीं है, सच्ची सच्ची बातें, ठीक है सर, बातें करते हैं ना आप, पूरी करते हैं वो। और सवाल करो, चुताई से बोलो, चाल चुताई वगैरह वगैरह सब लोग बोलो, अब साहब बोलो, जिंदगी पे राजी हो जाओ, बस करो, ठीक है, क्या बनना है हमने, कितना बड़ा हो जाना है, कितना छोटा हो जाना है, बड़े बड़े नेक नामी आखिर में खत्म हो जाएंगी, यानी कि बचा को नहीं सकता ना आपको, काश आप बच जाते, बच नहीं सकते, जाना जरूर है, अब तक जाना है, जाना है अल्लाह के पास जाना है, यानी कि माँ बाप के पास जाना है, बुजुर्गों के पास, आपके दादा दादा बैठे होंगे, कौन कौन लोग होंगे, वो कहीं दादा होगा, कहीं नाना निकलेगा, कहीं और निकलेगा, खानदान के बंदे होंगे, बस खानदान के बंदे अल्लाह के पास पहुँच गए, कहते कुछ हमारा जो है ना टब्बर वहाँ पहुँच गया, तो बाकी कुछ लेके हम जा रहे हैं, इतनी बात है, जिंदगी इतनी सी बात, बाकी ये सब कुछ नहीं रहेगा। हाँ वहाँ पे चाय शाय मिलेगी आपको, कमाल करते हैं, बिल्कुल होती है, अब बाकी इस तरह चाय चाहते हैं वहाँ पे लोग, और उनके लिए सुबह साधक है, पता है, अब ये राज तुमने छेड़ दिया। जो शख्स जिस तरह आप कहते हैं ना, ये सीएसपी अफसर, आप पढ़े लिखे लोग जानते हैं, सीएसपी अफसर होते हैं, इनको अफसर बनाने से पहले एक अकेडमी में ट्रेनिंग होती है, उसका नाम क्या है, सिविल सर्विस अकेडमी है ना, ट्रेनिंग होती है ना, अभी ये कौन है, ये तो कैंडिडेट है, अकेडमी है, अभी ये पढ़ रहे हैं और रिक्रूट हैं किस्म के, लेकिन ये क्यों यहाँ पर इनको ट्रेनिंग हो रही है, कि इनको ऑफिसर रहना है, डिप्टी कमिश्नर बनेंगे, यहाँ पर इनको तालीम हो रही है, अल्लाह के इल्म है कि इसने जन्नत में जाना है, आप क्या समझे बात, अल्लाह के इल्म है, उसके इरादे में है, उसके फैसले में, क्या है, इल्म में है, इरादे में, फैसले में है, जिसको जन्नत में ये लेके जाना है उससे दोस्ती वाला काम नहीं कराता, वो जन्नत में ले जाना है, दोस्ती वाला क्यों काम कराएगा, जिसने दोनों में जाना है उससे जन्नत वाला काम नहीं हो सकता, इसलिए जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं वो यहीं से शुरू हो गए जन्नत, अब बस मेरे तो यहां से जो आदमी जन्नत ही काम कर रहा है वो जन्नत में ही है, इसलिए वो कुछ लोग कह गया कि जन्नत सही है, आज अगर तुम्हारा इरादा गलती छोड़ने का हो गया, गुनाह छोड़ने का हो गया, जुल्म छोड़ने का हो गया, वादा पूरा करने का हो गया, तुम जन्नत में अभी दाखिल हो गए, देर को नहीं है, कब दाखिल हुए, आज ही दाखिल हो गए, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने जब जिसको ले जाना है यहीं से उसके अदाब सिखाएगा, कहाँ से सिखाएगा, यहाँ जो फसादी है, देखो जी मैंने फिर गाली दिया, मैंने फिर देखो बदले बेगा, ये जन्नत में जाएगा, जन्नत वो मुकाम है जहां तुम्हारा कोई मुखालफ नहीं है, जिंदगी में मुखालफत करने वाला जन्नत में नहीं जाता, ये बात समझ, क्योंकि वहां तो सारे अल्लाह के सामने रूबरू हैं, कोई किसी का मुखालफ नहीं है, आप मेरी बात से मेरे कुछ ये नहीं है, कुछ नहीं है, सब अल्लाह के सामने है, वो अल्लाह के यहाँ कोई मतलब पेश ये सुनी को मजबून होना है, वहां तो अल्लाह ही अल्लाह है, तो ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह की तरफ रजू किया ये सुनी से निकल कर, वो यहीं से जन्नत में चले गए, कहते आपका मुखालफ मुखालफों के नाम बताओ, जरा एक वक्त आगे दुआगा या बद दुआगा, तुझे दुश्मन नाम लिखाओ जी, उनको अब इनार करना है, मेरे दुश्मन कौन, यही जन्नत चला, आप आज अच्छा तुझे कोई तकादा करो, जो चीज़ हम चाहिए आपको, कितने पैसे चाहिए, कोई प्लाट फ्लाट पैसे पूछा, कहते मेरी मैं तो राजी हूँ, जो पूछा ठीक है, ये भी जन्नत चले गए, कोई किसी के खिलाफ बात, कहते कोई ना, अब तो बड़ी तकलीफ दे कहते वो आदमी, कहते मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जन्नत चले गए, जन्नतियों को यहीं से पहचानना, ये नहीं है कि यहाँ से जिंदगी जो है वो सख्त गुजारा करता जा रहा है बेचारा और ट्रबल में है, आगे जाके जन्नत में चला जाएगा, अलग जिंदगी होगी ना, वो जिंदगी इसके साथ सीक्वेंस में है, नहीं बात समझे, कि यहाँ बेचारा को जिंदगी जो है तलख गुजार रहा है, डिसिप्लिन की गुजार रहा है, वो बेचारा अपने आप को सीरियल बना दिया, आगे जाके जन्नत में शाश विशाश हो जाएगा फटाफटी,
चार चार शादियां कर लेगा, किधर से कर लेगा? ये जिंदगी जहां से चलती है, कहां से चलती है? कि बाबा साहब को, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह, उन्होंने ख्वाब देखा, बल्कि ख्वाब यह खाली निजामुद्दीन औलिया ने देखा, उनको बशारत ही हुजूर पाक की कि जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन में आ गया। मन दाखला आदिल बाबा फोवा फिल अमन, जिस बार दाखिल हुआ मतलब फोवा फिल जन्नत, बल्कि लफज है वो जन्नत में चला गया। उस दरवाजे का नाम रख दिया जन्नती गेट, बजती गेट। लोगों ने बड़ी मतलब शुरू होगी बात कि बाबा साहब अच्छे फकीर आदमी है, जनती बजती दरवाजा जहाँ लगा दिया, बजत आगे है, कुछ बफर बना के जाए उलमा आप जैसे जानने लोग। फिर बाबा साहब ने आपने कपाल कर दिया, बजती दरवाजा जहाँ ही लगा दिया। आपने फरमाया यहाँ न लगा तो आगे किधर लगेगा? बजती दरवाजा लगता इधर है, किधर लगता है? यहीं लगता है। अब आप तुम बताओ तुम कौन से दरवाजे पे हो? वो आदमी जो ये दरवाजे पे खड़ा है कि दो बंदे मैं नहीं जाने देने, वो कोई नहीं जाएगा। अब तुम देखो कि तुम्हारे दिल के बेस्ट में कुछ बंदे गैर कर लिए, तुमने गैर कर दिए हैं, नहीं जाओ। सारे आने दो, वो भी आ जाएगा। पता क्या बात क्या है, मुश्किल का है, वो क्यों आया? वो भी आएगा, आएगा ना। आप ये कहो आने दो उसको भी, कहो आने दो। ये तुझे क्यों बोले हो? इकबाल से पूछ रहा था। अच्छा तुझे भी आने दो। अच्छा चलो, इनको बोलते हैं नहीं बोलने दो, रिश्तेदारी है ना, आने दो सब कारण। पर ये है जन्नत, जन्नत क्या है? एट पीस विद एवरीवन। क्या है? एट पीस विद एवरीवन, हर एक के साथ अमन, हर एक के साथ सुलह। बस जन्नत का कहाँ से मकाम शुरू होता है? जिंदगी से। जिस शख्स को हजूर पाक की मोहब्बत अता होगी वो किधर जाएगा? जन्नत चाहिए आगे, और क्या है? यही जन्नत है, यही जन्नत है जो हासिल हो सकूने खातिर। ये तो शेर बन जाएगा, क्या विचार है? यही जन्नत है जो हासिल हो सकूने खातिर, और दोजख यही दुनिया है जो आराम नहीं। आपसे बात समझाई? यही जन्नत है जो हासिल हो सकूने खातिर, और दोजख यही दुनिया है जो आराम नहीं। इधर से आराम नहीं है तो किधर जा रहे हो? इसी को बताओ, कहते बेचैन हूँ, इस्तराब है, परेशान हूँ, बस समझ जाती अल्लाह है कि नहीं। बेवकूफ तू बड़े, तू है कि नहीं है? अल्लाह को क्या करते जा रहे? वो तो मौजूद ही मौजूद है। आप अपना ख्याल रखो। लो आज आपको बड़ी आसान सी बातें बताई। अपना ख्याल रखो, जिंदगी माँ बाप मिल जाए ना छोड़ो ना, काबू कर जाओ। कहते आप किधर जाते हैं? तो ऐसा ना करना जैसे वो ढांधने गए थे पिशावर में, पिशावर को शाह साहब मिल गए, सैयद पीर साहब, उन्हें बड़ी खिदमत शिदमत की पठान ने, और पीछे कहें हम जा रहे हैं। कहते हैं किधर जाता है? तो सैयद हमारा पीर है, आप तो यहाँ ही कब्र बनाएगा, हम इधर तुम्हारा मकबरा बनाएगा, इधर हम तुम्हारी पूजा करेगा, हम किधर जाने देगा? ऐसा नहीं करना माँ बाप के साथ, और ये खिदमत कर लो, वो यही जन्नत है। क्या कर लो? जितनी खिदमत करवाना उनके हक से ज़्यादा, उनके तकाजे से ज़्यादा, बस ये बिल्कुल मतलब जन्नत है। औलादों के साथ शफकत जन्नत है, औलाद को दीन सिखाना जन्नत है, एट पीस विद एवरीवन जन्नत है। बस दरिया की नदी की रवानी के साथ साथ झगड़ा किए बगैर किनारों के साथ चलते जाओ, सफ़र करते जाओ, कदा आगे जाना है, एक्सेलसियर आगे जाना है, यहाँ ही रहना आगे जाना है, बस चलते जाओ अल्लाह के नाम पर, बस सुलह सफाई के साथ काम रख लो। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस खुश रहा करो और आबाद रहा करो, हर चीज़ मुकम्मल है। दीन बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। दीन किताबों का नाम नहीं है, चीज़ बात नहीं, दीन क्या है? किताबों का नाम नहीं है, लेक्चर का नाम नहीं है, मौजूद लम्हे का नाम है, एक लम्हे का नाम। क्या लम्हा? ये तुम देख रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो कि उसने तुम्हें देखने के दिया, बिनाई का शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि चाँद निकला, तारे निकले, और मुझे देखने की तौफीक भी है, पूरा दीन है। क्या है? पूरा दीन है, या अल्लाह मतलब मेहरबानी है कि हमें चांद सितारे नजर आ रहे हैं, तूने बनाए और उनको देखने के लिए मेरी आंख बनाई, तेरा हजार बार शुक्र है। बस ये पूरा दीन है, मुकम्मल दीन इस्लाम है। यार रब्बुल आलमीन तेरा बहुत शुक्र है कि तूने हमारे हजूर पाक मतलब कि हमें उम्मत से पैदा किया, बड़ा तेरा शुक्र है। आप तो रहमतुल्लिलाल सारी कायनात के लिए रहमत है, और हम तो उम्मती है, ठहरे रहमत ही रहमत है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, हजूर पाक का शुक्र अदा करो कि उन्होंने अल्लाह का राह दिखाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो हजूर पाक की शफाअत अदा करो, बस ये सारा खेल यही हो जाएगा। किताबों का ना किताबें ना पढ़ा करो, मैं वो किताबें से मना कर रहा हूँ।
हाँ ऐसे नहीं किताबें पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, बिल्कुल ये खत्म ही हो जाएगा, अमल ही खत्म हो जाएगा। तो आप दुआ कर लो जितने हाजरीन हो, एक दुआ कर लो अल्लाह ताला आपके हालात बहुत असलाह करे, अल्लाह ताला आपको खुशहाल जिंदगी अता करे। खुशहाल का मतलब है कि आप इस साल में खुश रहो, इससे बेहतर भी हालात पैदा हो जाए, अच्छा और भी अच्छे हालात हो जाए। मुल्क के लिए दुआ करो कि मुल्क के अंदर कोई तजाद और फसाद ना हो और मुल्क जो है वो कायम दायम रहे, और यार बिलाल इस मुल्क पर थोड़ी निगाह करम कर, और जहाँ इंसानी ने मुश्किल डाली है, इंसानों ने मुश्किल डाली है, तू अपनी तरफ से इसे आसान कर दे, क्योंकि तू ही कर सकता है, बंदा अब नहीं कर सकता। इसलिए यार बिलाल में रहम फरमा करम फरमा, सबको आसानियत फरमा यार, और दिलों को अपनी जात से आबाद फरमा यार, अपने महबूब की जात से आबाद फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।